श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को जानकारी होगी, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि ओमकारेश्वर में जी हाँ नर्मदा जी की घाट पर हो रही है शिव महापुराण कथा गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। और इस कथा के पहले ही दिन, जी हाँ आज कथा का पहला दिन था, और पहले दिन गुरु जी ने विशेष मनोकामना पूर्ति नए उपायों की जानकारी दी है। चलिए वीडियो शुरुआत करके, और साथ में कल का जो दिन है, कल है चतुर्थी तिथि और जेठ महीने का ही हमारे पास आखिरी मौका बचा है चतुर्थी तिथि का, तो इस दिन भी विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जो गुरु जी ने सोमवार सोमवार करने के लिए कहा है। जी हाँ, यह विशेष उपाय करने से जीवन में कितने भी कष्ट हो, तकलीफ हो, रोग हो, बीमारी हो या कोई भी अटका हुआ कार्य हो, कोई भी मुसीबत हो, तो उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। और इस उपाय को आपको घर पर ही करना है। खास बात यह है, अगर आपने पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप ये जो मौका है वो विशेष मौका है, क्योंकि इस सोमवार को है चतुर्थी तिथि, साथ में जेठ माह की अंतिम चतुर्थी तिथि है। चलिए, और साथ में एक विशेष बात और है, पुष्य नक्षत्र भी है, तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप घर पे यह उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको अपने ही घर में तुलसी माता के गमले को छोड़कर शेष जो गमले हो उस गमले में से किसी एक गमले के अंदर गमले की मट्टी से शिवलिंग बना लेना है। ठीक है, गमले की मट्टी शिवलिंग पर निर्माण करना। शिवलिंग बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री, कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री उसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और 5 बेलपत्री को हर एक एक बेलपत्री को महादेव की कन्याओं के नाम लेकर करना है। जैसे पहली बेलपत्र जया, विशहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, ऐसे 5 कन्याओं का नाम लेकर एक एक करके 5 बेलपत्री समर्पित कर दो। फिर उसके बाद दोनों हाथों से सीधे और उल्टे, दोनों हाथों में लोटा भरे, कलश भरे, और दोनों हाथों से एक ही धारा में शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जैसा हमने सावन के महीने में कावड़ का जल समर्पित किया था, सेम वैसे ही आपको दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना शुरुआत कर देना है। पूरा जल एक ही धारा में धीरे 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 अपनी मनोकामना बाबा से कहते हुए समर्पित कर दीजिए। ये विशेष उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए, जो गुरुजी ने पहले की कथा में बताया था। जल समर्पित करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करो, एक गोल बाती का या लंबी बाती का दीपक लगा लीजिएगा, प्रज्वलित कीजिएगा, अपनी प्रार्थना कीजिएगा, और 5 बेलपत्री को उठाकर अपने घर में, घर के मंदिर में, चालीसा में रख लीजिए। फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी कहते हैं कि मेरा विश्वास कहता है कि मनोकामना आपकी 20 दिन के अंदर पूरी हो ही जाएगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने आज की कथा में, यानी ओमकारेश्वर में जो कथा चल रही है, पवित्र शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पर बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है। जी हाँ, बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है और सूखे वृक्ष को लोग काटते हैं, तो आपको क्या करना है, तो सूखा वृक्ष उसकी जो जड़ है वो लेकर आना है। अगर जड़ नहीं मिलती है तो टहनियाँ नीचे टूटी हुई पड़ी रहती है, वो टहनी भी आप ला सकते हो। टहनी को लाकर घिसिए और उसका बनाइए चंदन। ठीक है, अच्छे से एक चंदन घिसने का आता है पाटा, वो ले आइएगा, या फिर आप कभी पत्थर हो उस पर भी घिस सकते हो। घिस कर उस बेलपत्री का चंदन निकालो, और निकाल कर आप क्या करो, अपनी मनोकामना बोलकर उस चंदन से बाबा के शिवलिंग पर लेपन कर दो। जितना चंदन निकल जाए उस चंदन को पानी में घोल लो हल्का सा, और बाबा का उस चंदन से लेपन कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई मनोकामना वह कह दीजिए। ऐसे सोमवार सोमवार करके देखिए, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने कहा था कि अगर जीवन में बहुत दुख चल रहा है और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय करिए और सोमवार के दिन करके देखिए। क्या करना है, आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों को, आप वीडियो में देख सकते हैं, सीधे हाथ की 3 उंगलियों को आपको, जैसा वीडियो में पकड़ रखा है मैंने हाथ, दे सकते हैं आप 3 उंगलियों को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। ठीक है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए स्पर्श करना,
और उसके बाद उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने वृक्ष स्थल पर यानी अपने सीने पर दिल पर लगा लीजिएगा अपनी मनोकामना को बोलकर, कोई भी मनोकामना हो। फिर देखना आपके मार्ग खुल जाएंगे, चारों दिशाओं में कोई सा मार्ग आपको मिल जाएगा जिससे आपका वो जो कार्य अटका हुआ है, जो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और ये उपाय है ओमकारेश्वर शिव महापुराण कथा का। गुरु जी ने कहा है आप लोग शिवालय जाते हैं या फिर किसी ओमकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं या आप महांकाल मंदिर जा रहे हैं या आप नासिक में त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, किसी भी शिवालय जा रहे हैं, अगर आप ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं और आप लाइन में खड़े रहते हैं और आपने देखा हो कई लोगों के हाथों में टोकनी रहती है, इसमें फूल बेलपत्री हथौड़ा रखा रहता है, पर किसी कारणवश वो नीचे गिर जाता है या जैसे कि धक्का लगता है, टहनी लगती है, टोनी लग जाती है तो वह नीचे गिर जाती है, हवा चलती है तो बेलपत्री नीचे गिर जाती है। तो गुरुजी ने कहा है अब ऐसा अगर आप देखें कि बेलपत्री नीचे पड़ी हुई है तो उसी बेलपत्री को उठाना है आपको और उठाकर अपने पल्लू पर, अगर साड़ी पहन रखी है तो पल्लू पर चुन्नी सूट पहन रखा है चुन्नी में जींस में, आप उस बेलपत्री को रख लीजिए, उठा के अपने पास रख लीजिए और फिर किसी विसर्जन वाले जगह पर उस बेलपत्री को रखकर आ जाइए। गुरुजी ने कहा है आप करके देखना, अगर आप नीचे पड़ी हुई बेलपत्री किसी के पैर में ना आए इस कारण से उस बेलपत्री को उठाकर विसर्जन वाली जगह पर रखकर आते हैं तो बाबा भी आपको नीचे से उठाकर ऊपर की ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर लेकर जाएगा ही जाएगा। ये आप नियम बना ले, गुरुजी ने कहा है कि आज सब आप नियम ले कि हम ये नियम लेते हैं अगर हम जब भी देखेंगे कि कोई बेलपत्री नीचे पड़ी हुई है और पैरों में आ रही है अगर, तो उसे उठाकर अपने पल्लू में बांध लेंगे और फिर जब जिस जगह जाएंगे जब विसर्जन होता है या विसर्जन हो रहा हो या विसर्जन वाली जगह पर रखकर आ जाएंगे। तो कुछ विशेष जानकारी थी, उपाय थे जो गुरुजी ने करने को कहा है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।